हेलो बच्चों एंड वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ इकोनॉमिक्स यस बच्चों हमने टीवाई की बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक की जर्नी स्टार्ट की है बच्चों और वो है सर्विस सेक्टर अब इस सर्विस सेक्टर में हम टीवाई लेवल पे देखेंगे दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दैट इज हेल्थ सेक्टर और टूरिज्म हमने इस चैप्टर की जर्नी की शुरुआत की कि व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ सर्विस सेक्टर यानी टर्शरी रो जो सेक्टर है वो हमारे इंडियन इकनॉमी के लिए क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किस तरह से ये इनकम को भी बूस्ट करता है और उसके अलावा एम्प्लॉयमेंट को भी जनरेट करता है तो ये सर्विस सेक्टर की वजह से हमारी इकनॉमी का इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बहुत फास्टर और स्पीड से बढ़ता है अब स्पेशली इस सर्विस सेक्टर की दो सेक्टर यानी एक हेल्थ सेक्टर इससे रिलेटेड हम थ्री क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे वन बाय वन जैसे आज हम देखेंगे कि हेल्थ सेक्टर में रिसेंट ट्रेंड यानी चेंजिंग बिहेवियर क्या देखा है इन हेल्थ सेक्टर इन अ वेरी इजी वे एज यू नो दैट सिंप्लिसिटी इज अवर मेन मोटो ना बच्चों जब हम बोलते हैं हेल्थ तो एक कॉमन प्रोअप आप सबने सुना है हेल्थ इज वेल्थ ये हेल्थ इज वेल्थ का अवेयरनेस हमारी इकोनॉमी में सालों से है लेकिन उसी अवेयरनेस को अभी हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा जो है वो फोकस और कंसंट्रेट किया जा रहा है ये हेल्थ सेक्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है जब हम बात करते हैं इनकम और उसके अलावा एम्प्लॉयमेंट इनकम ही जनरेट काफ़ी हो रही है हमारी गवर्नमेंट को काफ़ी इनकम या इवन प्राइवेट सेक्टर को जो इनकम है वो भी ज़्यादा मिल रही है एंड बिसाइड विथ दैट जो एम्प्लॉयमेंट है वो भी इस सेक्टर में काफ़ी अच्छी हो रही है तो दोनों कंसेप्ट से हम देखें तो हेल्थ सेक्टर इज प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल नाउ बच्चों जब हम इस हेल्थ सेक्टर की बात करते हैं तो हेल्थ सेक्टर दो कैटेगरी में कैटेगराइज होता है एक तरफ हम पब्लिक सेक्टर देखते हैं पब्लिक सेक्टर्स में हम बहुत सारे प्रोग्राम्स और पॉलिसी हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड हमने डिस्कस भी किया हुआ है बच्चों इस हेल्थ सेक्टर में हम देखते हैं कि गवर्नमेंट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल जो रूरल एरियाज़ में सब सेंटर्स हो या प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं वो ओपन कर देते हैं या जब आपके अर्बन एरियाज़ में या सेमी अर्बन एरियाज हैं तो कम्युनिटी हेल्थ जो हमारी क्लिनिक्स हैं वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं गवर्नमेंट की हॉस्पिटल्स हैं वो ज़्यादा इम्पॉटेंट रोल प्ले करती हैं जब डिस्ट्रिक्ट uh, लेवल पे भी गवर्नमेंट की हॉस्पिटल्स हैं वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं एम्स जैसी हॉस्पिटल्स हैं बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज हैं तो ये हमारे गवर्नमेंट के पब्लिक हेल्थ सेक्टर का हिस्सा है लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल पब्लिक हेल्थ के साथ साथ प्राइवेट जो सेक्टर है यानी हेल्थ केयर इंडस्ट्री में वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है तो दोनों प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर बोथ आर मेकिंग हेल्थ सेक्टर वेरी स्ट्रॉन्ग इन अवर इंडियन इकोनॉमी तो पहले बच्चों हमें लिखना है हेल्थ केयर इंडस्ट्री इसमें हम किस तरह से देखते हैं क्या क्या उसमें इंक्लूड होता है जब हम हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज देखते हैं तो डिफरेंट हॉस्पिटल्स यानी प्राइवेट हॉस्पिटल्स पब्लिक हॉस्पिटल्स पब्लिक हॉस्पिटल्स के साथ साथ प्राइवेट हॉस्पिटल्स का तो आपको पता ही है बच्चों जैसे हमारे अगर हम बॉम्बे में देखें तो नियर बाय मुंबई वी विल ऑब्जर्व इट कि बॉम्बे हॉस्पिटल है जे जे हॉस्पिटल है या हम जो हॉस्पिटल देखते हैं ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल है नानावटी हॉस्पिटल है या कोकिलाबैन का आप देख रहे हो रिलायंस का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है हीरा हीरांदानीस का हॉस्पिटल्स है तो ये प्राइवेट सेक्टर में काफ़ी अच्छा क्योंकि इनकी जो हम लोग यूज़ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी अच्छा जो है हेल्थ केयर इंडस्ट्री में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं तो हॉस्पिटल्स हों मेडिकल डिवाइसेस जो हैं मेडिकल डिवाइसेस बनाने वाली इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो भी इस हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज का हिस्सा बनती हैं मेडिकल इक्विपमेंट जो प्रोवाइड करती हैं वो सर्विसेज़ भी इस हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज का हिस्सा बनते हैं मेडिकल टूरिज्म ये तो बहुत हम देख रहे हैं एवरी ईयर ट्वेंटी टू टू ट्वेंटी फाइव परसेंट ग्रोथ दिखाई दे रहा है मेडिकल टूरिज्म में हेल्थ का इंश्योरेंस हम देख रहे हैं पॉलिसी बाज़ार डॉट कॉम का एड जो है सारा दिन आपको दिखाई देता है कि अगर आपको बड़ी बीमारी के खर्चे से बचना है तो पॉलिसी बाज़ार डॉट कॉम पर जाके अपने हेल्थ को इंश्योर करवा लो एक करोड़ का इंश्योरेंस आप थ्री नाइन्टी नाइन करके ऐसे कुछ एड्स आपको अट्रैक्ट करती हैं बहुत सारी डिफरेंट प्राइवेट कंपनीज़ हैं जो इस तरह का हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करती हैं हेल्थ इंश्योरेंस में प्राइवेट कंपनीज़ पब्लिक कंपनीज़ या फॉरेन कंपनीज़ भी इसका हिस्सा बनती हैं टेली मेडिसिन हैं नावड इसका काफ़ी ग्रोइंग इंपॉर्टेंस है आउटसोर्सिंग है या क्लिनिकल ट्रायल्स हैं या बहुत सारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो हमारे इस हेल्थ केयर इंडस्ट्री का बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है Now, जब हम बात करते हैं हेल्थ केयर इंडस्ट्री तो ये जो हेल्थ केयर इंडस्ट्री है इट हैज इमर्ज एज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्रेसिव एंड लार्जेस्ट सर्विस सेक्टर इन इंडिया ये सर्विस सेक्टर मोस्टली कैटेगराइज होता है टू कैटेगरीज में नंबर वन पब्लिक हेल्थ सेक्टर एंड नंबर टू प्राइवेट हेल्थ सेक्टर आपको इतना लिमिटेड ही लिखना है ज़्यादा नहीं लिखना है क्योंकि हमने इसको इंट्रोडक्शन में लिया कि सबसे ज़्यादा जो लीडिंग अभी हम देखते हैं इमर्जिंग जो हमारा हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज है वो हमारी इकोनॉमी को काफ़ी अच्छा रेवेन्यू प्रोवाइड करता है काफ़ी अच्छा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है तो ये प्रोग्रेसिव और लार्जेस्ट सर्विस सेक्टर है इंडिया का जो दो कैटेगरी में वर्क करता है एक तरफ पब्लिक सेक्टर और दूसरी तरफ प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज देन ऐसी मेडिकल पूरे हेल्थ केयर सर्विसेज में पूरे सेक्टर में क्या क्या हम इंक्लूड करते हैं कंप्राइजेस यानी इंक्लूड करते हैं वो हमने कहा हॉस्पिटल्स हो प्राइवेट हॉस्पिटल्स कहें क्लिनिक कहें या पब्लिक हॉस्पिटल्स कहें तो वो भी सब इसका हिस्सा बनते हैं मेडिकल डिवाइसेस कहें मेडिकल इक्विपमेंट्स कहें मेडिकल टूरिज्म कहें हेल्थ इंश्योरेंस कहें या टेली मेडिसिन कहें बच्चों आउटसोर्सिंग कहें क्लिनिकल ट्रायल्स कहें या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ ये सब हमारे हेल्थ केयर सेक्टर का हिस्सा है अब आप सोचो इन सब से हमारी इकोनॉमी को इनकम जनरेट होना प्लस इन्हीं सभी सर्विसेज को प्रोवाइड कर करते समय लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट होना इसके लिए हेल्थ केयर सेक्टर्स जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट एंड प्रोग्रेसिव और लार्जेस्ट सेक्टर हमारे इकनॉमी का माना जाता है नाउ अब इसमें रिसेंट ट्रेंड बच्चों मेन क्वेश्चन ये है कि इस हेल्थ केयर इंडस्ट्री में रिसेंट बिहेवियर क्या चेंज हुआ है क्या रिसेंट ट्रेंड हम ऑब्जर्व करते हैं इस हेल्थ केयर इंडस्ट्री में जैसे पहला पहला है फर्स्ट रैपिड ग्रोथ यानी फास्टर ग्रोथ हमें इस इकोनॉमी में दिखाई दिया जैसे आपके बुक में से ही मैंने एग्जाम्पल लिया है कि उन्होंने कहा कि टू में हमने ऑब्जर्व किया था कि हमारी इकोनॉमी को 35 फाइव यू एस के बिलियन डॉलर्स का इनकम जो था वो हमें हेल्थ केयर इंडस्ट्री से मिला लेकिन ये इनकम धीरे धीरे बढ़ती गई और वही हमने 2022 में देखा यही 35 फाइव यू एस के बिलियन डॉलर्स हमें कितने में कन्वर्ट हो गए 372 हंड्रेड यू एस के बिलियन डॉलर्स तो हेल्थ सेक्टर हमारी इकोनॉमी को इतना फॉरेन करेंसी अर्न करके देता है तो इसके लिए हमने कहा रैपिड ग्रोइंग है और उसका मेन रीज़न जो हमने बच्चों कहा एक तो हमारी जो पॉपुलेशन है वो हमेशा हेल्थ कॉन्शियस हो गई है दे फोकस ऑन देयर हेल्थ के नीड्स वो हमेशा कोशिश करते हैं उनकी हेल्थ जो है वो अंडर द प्रॉपर गाइडेंस ऑफ जो मेडिकली प्रोफेशनल पर्सनस हैं ट्रेंड पर्सन हैं उन्हीं के गाइडेंस में वो हमेशा अपनी ट्रीटमेंट करवाते हैं तो इसके लिए वो भी वो बड़ा है प्लस एल्डरली जो पॉपुलेशन है पॉपुलेशन आपको मालूम है हमारे इंडियन इकनॉमी में ज़्यादा है तो जो एल्डरली पॉपुलेशन है जिनकी एज बड़ी है उनकी हमेशा देखभाल के लिए मेडिकल ट्रीटमेंट जो है वो ज़रूरत लगती ही है क्योंकि उन्हें भी तो फिट रखना है अपने आप को तो इसके लिए हमारी ग्रोइंग पॉपुलेशन है प्लस एल्डरली ग्रोइंग पॉपुलेशन है और उसके साथ साथ दूसरा जो मेन रहता है हमारी इनकम बढ़ रही है जब हम इनकम बढ़ती है तो वी विल ट्राई टू फोकस ऑन अवर हेल्थ नीड्स हमने पहले कहा हेल्थ इज वेल्थ तो हम अपनी हेल्थ को फोकस कर पाते हैं हम अपनी हेल्थ के नीड्स को सेटिस्फाई कर पाते हैं तो उसकी वजह से रैपिड ग्रोथ हमें इस हेल्थ केयर इंडस्ट्री में दिखाई देता है नेक्स्ट है मेडिकल टूरिज्म हमने पहले कहा मेडिकल टूरिज्म हमारे इस हेल्थ केयर सेक्टर में काफ़ी अच्छा कॉन्ट्रीब्यूट करता है जब हम कहते हैं मेडिकल टूरिज्म तो हमारा इंडिया जो है ये बन रहा है एक हब फॉर ऑल द कंट्रीज क्योंकि हमारा जो मेडिकल सिस्टम है हमारा जो हेल्थ केयर सेक्टर है स्पेशली जो प्राइवेट हेल्थ केयर सेक्टर सर्विसेज है वो बहुत ही बेटर और अफोर्डेबल कॉस्ट में सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं इसके लिए अक्रॉस द ग्लोब वी विल ऑब्जर्व इट कि सो मेनी पेशेंट्स जो है वो अपनी ट्रीटमेंट करवाने के लिए इंडिया को प्रेफर करते हैं इंडिया की जो हॉस्पिटल्स हैं उनके जो डॉक्टर्स का स्टाफ है या उनकी जो पूरी टेक्निकल टीम है वो बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट में उनके ट्रीटमेंट को करवाते हैं क्योंकि एब्रॉड में ये सब मेडिकल ट्रीटमेंट जो है बहुत कॉस्टली है लेकिन जब इंडिया में आते हैं तो वही ट्रीटमेंट जो है इवन दो हम लोग देखते हैं ब्रीच कैंडी में जाएंगे नानावटी लीलावती हॉस्पिटल्स है या कोकिलाबेन हॉस्पिटल है हीरांदानीस हॉस्पिटल है या एम्स जैसी हॉस्पिटल्स हैं वहां पर भी उनकी ट्रीटमेंट कंपेरेटिवली बहुत ही लोअर अफोर्डेबल कॉस्ट में हो जाती है तो इसके लिए मेडिकल टूरिज्म सो इंडिया हैज़ बिकम अ हब फॉर मेडिकल टूरिस्ट हुआ आर सीकिंग द बेटर क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर वो भी एट अफोर्डेबल कॉस्ट इन इंडिया उनको बहुत ही बेटर क्वालिटी की सर्विसेस हमारे इंडिया में मिलती है उन्हें ट्रीटमेंट मिलती है और वो भी एट अफोर्डेबल कॉस्ट और वो भी मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स को, को वो सेटिस्फाई करते हैं जिसका एग्जाम्पल आपके बुक में दिया गया है 2017 में देखा गया था जो मेडिकल टूरिस्ट बाहर से आते हैं और एवरी ईयर वी विल ऑब्जर्व इट कि 22 टू 25 फाइव परसेंट मेडिकल टूरिज्म बढ़ता ही रहता है ग्रो होता रहता है तो 2017 में 3 बिलियन डॉलर्स हमें मेडिकल टूरिज्म से मिला और वही एक साल के बाद हमने देखा दैट इज़ टू थाउजेंड एटीन में सिक्स बिलियन डॉलर डबल हो गया और आपको मैं बता दूँ रिसेंटली अगर हम लोग टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री का मेडिकल टूरिज़म देखें बच्चों तो इट इज़ थर्टी वन पॉइंट नाइन वन बिलियन डॉलर्स दैट मीन्स फाइव टाइम्स मोर 2018 में सिक्स था लेकिन अभी इस थर्टी वन पॉइंट नाइन वन बिलियन डॉलर्स तो ये सब क्या है ये मेडिकल टूरिज्म की वजह से यानी हम लोग देख रहे हैं मैक्सिमम पीपल दे आर गेटिंग सेटिसफाइड विद द हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय आवर इंडियन इकनॉमी तो वो अपना इलाज करवाने ट्रीटमेंट करवाने यहाँ आते हैं और उसी की वजह से हमारी इंडियन इकनॉमी को फॉरन करेंसी अर्न करने का एक बहुत ही बेटर गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिलता है तो ये है मेडिकल टूरिज्म नेक्स्ट हम देखते हैं न्यू प्राइसिंग मॉडल्स अब बच्चों न्यू प्राइसिंग मॉडल्स ये हम लोग हेल्थ केयर सेक्टर में ज़्यादा रिसेंट ट्रेंड बदलाव देखते हैं क्योंकि जो मेडिकल ट्रीटमेंट की जो प्राइजेस हैं दे आर गो ऑन राइजिंग बहुत सारे कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस हैं मीडिया है वो हमेशा फोकस करते हैं कि इन प्राइसेस को थोड़ा कंट्रोल किया जाए इवन जो हमारी गवर्नमेंट है वो भी इम्पॉटेंट रोल प्ले करती है टू कंट्रोल ऑल दिस मेडिकल प्राइसेस ताकि जो हमारे इकनॉमी के पुअर पीपल हैं मिडिल क्लास पीपल है दे कैन अफोर्ड इट आप देखो कहीं पे भी हार्ट सर्जरी हो या हम लोग किडनी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं डायलिसिस वगैरह रहता है या हम लोग देखते हैं बहुत सारी ऐसे प्रॉब्लम जैसे कैंसर की हम लोग ट्रीटमेंट देखते हैं तो ये सब ट्रीटमेंट्स आर बिकमिंग वेरी कॉस्टली न्यूरो सर्जरी वेरी कॉस्टली तो जब ऐसे कुछ ट्रीटमेंट के लिए कुछ पेशेंट्स आते हैं तो ड्यू टू वेरी हाई प्राइस दे कैन नॉट गो फॉर दिस टाइप ऑफ ट्रीटमेंट तो ये सब चीज़ों की प्राइस को कंट्रोल करने की कोशिश करती है गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट बहुत से पब्लिक हेल्थ केयर्स जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे यही सब ट्रीटमेंट जो रहती है एट अफोर्डेबल कॉस्ट पे प्रोवाइड करने की कोशिश करती है तो गवर्नमेंट प्ले अ वेरी लीडिंग रोल तो रेगुलेट एंड कंट्रोल राइजिंग ड्रग्स का प्राइसेस यानी मेडिसिन के प्राइसेस जो मेडिक बहुत ही कॉस्टली हैं उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करती हैं यानी वो कोशिश करती हैं कि जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं जिनकी ड्रग्स बहुत कॉस्टली है उनके कंपैरिजन में जो जनरिक मेडिसन्स हैं जिनकी कंपैरेटिव कॉस्ट बहुत कम है वो प्रोवाइड करती है एट अफोर्डेबल कॉस्ट तो जनरिक मेडिसन्स मार्केटेड

जो ड्रग्स हैं मेडिसिन हैं वो भी एट अफोर्डेबल प्राइस पे मिल जाए तो इसके लिए न्यू प्राइसिंग मॉडल्स जो है बच्चों वो जनरली हमें इकनॉमी में अभी दिखाई देते हैं हर जगह पे जनरक मेडिसिनस के बहुत सारे मेडिकल स्टोर्स दिखाई देते हैं जो हमेशा सेम जो आपकी मेडिसिन हैं जो प्राइवेट मेडिग आपके फार्मास्यूटिकल कंपनीज के हाई प्राइस पे रहते हैं लेकिन जेनरिक मेडिसिन क्या रहते हैं वेरी लो प्राइस ओके बच्चों नेक्स्ट है फोर्थ जो रिसेंट ट्रेंड हमें इस हेल्थ केयर इंडस्ट्री में दिखाई देता है और आप सब जानते हो बच्चों दैट इज़ एडवांस टेक्नोलॉजी इन हेल्थ केयर सेक्टर हमारे इस हेल्थ केयर सेक्टर्स में टेक्नोलॉजी में काफ़ी बदलाव आया है इवन हेल्थ केयर सेक्टर्स में हम देखते हैं क्लाउड टेक्नोलॉजी हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो इनका भी यूज़ किया जाता है यानी वो पेशेंट की डेटा को मैनेज करना उन्हें कांटेक्ट करना प्लस उनकी पूरे डेटा को बहुत ही केयरफुली जो है वो कॉन्फिडेंशियल रखना और नॉट ओनली दैट बट जब उनके डिसीज़स को वो डिटेक्ट करते हैं उसमें भी हम देखते हैं कि उनकी जो टेक्नोलॉजी है जो आईटी सेक्टर है वो प्ले करता है इम्पॉर्टेंट रोल यानी पेशेंट का एक्सरे निकालना हो सोनोग्राफी निकालना हो पेट स्कैन रहता है एम रहता है सि स्कैन रहता है ताकि उनके डिसीज़ को डायग्नोस कर पाए तो उन सब में हेल्प करता है हमारा एडवांस टेक्नोलॉजी आप सब जानते हो बच्चों ये तो बहुत ही रीसेंट बदलाव आपकी जनरेशन ने ये ऑब्जर्व किया है तो एडवांस टेक्नोलॉजी हमारे इस हेल्थ केयर सेक्टर में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है जिसकी वजह से डॉक्टर्स को इजी होता है उन पेशेंट्स को जल्दी से क्योर करने का तो नाउ डेज हेल्थ केयर सेक्टर जो है इट इज एक्सपेक्टेड टू यूज द क्लाउड कंप्यूटिंग है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है या पिक्चर आर्चविंग एंड कम्युनिकेशन सिस्टम यानी पैक्स हम बोलते हैं दैट इज पिक्चर स्टैंड फॉर पी देन आर्चविंग दैट इज ए स्टैंड फॉर आर्चविंग एंड कम्युनिकेशन सिस्टम जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं बच्चों पैक्स ये क्या होता है पिक्चर आर्चविंग कम्युनिकेशन सिस्टम रहते हैं जिससे क्या होता है हम पेशेंट का एक्सरे या एमआरआई कैसे निकालते हैं हम किस तरह से सोनोग्राफी लेते हैं सि स्कैन लेते हैं पेट स्कैन लेते हैं ये सब आपके पिक्चर आर्चविंग एंड कम्युनिकेशन सिस्टम का हिस्सा है दैट इज़ कॉल्ड पैक्स तो इसमें हम देखते हैं काफ़ी आईटी सेक्टर जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है प्लस पेशेंट्स के या हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स की पूरे हिस्ट्री को मैनेज करना या हॉस्पिटल्स को मैनेज करना या हम लोग इसी में सिस्टम में हम बदलाव देखते हैं धीरे धीरे लेज़र टेक्नोलॉजीज़ को हम वो लोग यूज़ करते हैं यानी इस तरह की टेक्नोलॉजी का सपोर्ट जो है वो हमारे हेल्थ केयर सेक्टर को काफ़ी स्मूथ और सपोर्टिव बनाता है जिससे पेशेंट को तकलीफ़ भी कम होती है और उनके डिसीज़ डायग्नोज हो जाते हैं और उसका फिर प्रॉपरली ट्रीटमेंट जो है वो हमारे डॉक्टर्स कर लेते हैं तो इस तरह से एडवांस टेक्नोलॉजी जो है वो हमारे इस हेल्थ केयर सेक्टर में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ओके बच्चों नेक्स्ट हमें दिखाई देता है मोबाइल हेल्थ केयर अब बच्चों ये भी जनरली आजकल हमें दिखाई देता है क्योंकि जनरली आजकल हम यूज़ करें स्मार्टफोन्स स्मार्ट वॉचेस अब ये स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस जो हैं वो भी हमारे हेल्थ को मॉनिटर करने के लिए बहुत यूज़फुल होते हैं कि अगर सपोज़ हमको बीपी का कुछ प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से बीपी को कंट्रोल करना है तो वो भी हम मॉनिटर करते हैं कि अगर वो हाई हो गया तो हम उसमें कंट्रोल करने के लिए मेडिसिन जो है वो प्रॉपरली ले लेते हैं या हम लोग क्या करते हैं कंसल्ट करते हैं टोबर स्पेशलिस्ट डॉक्टर हम उन्हें कंसल्ट करते हैं वो भी स्मार्टफोन के थ्रू या हम लोग देखते हैं स्मार्ट वॉचेज़ जो है उसके थ्रू उन्हें कंसल्ट करते हैं या जो भी हमने रिपोर्ट्स वगैरह टेस्ट के करवाए हैं उनकी रिपोर्ट जो है वो हम डॉक्टर्स को भेज देते हैं डॉक्टर्स हमें डायरेक्टली कंसल्ट कर देते हैं हम भी थ्रू स्मार्टफोन जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं वो उन्हें बताते हैं और अपनी जो रिपोर्ट्स हैं उन्हें हम भेज देते हैं तो वो रिपोर्ट्स देख लेते हैं हमारे प्रॉब्लम सुन लेते हैं इसको पता है क्या कहा जाता है ये है मॉडर्न कंसेप्ट दैट इज़ बेड हॉस्पिटल्स देखो हमें हॉस्पिटल में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी और ये बहुत स्पेशली पॉपुलर हुआ पता है कब जब कोरोना का प्रॉब्लम आया था और उस कोरोना के प्रॉब्लम में हम लोग डायरेक्टली हॉस्पिटल्स में नहीं जा सकते थे प्रॉब्लम था डॉक्टर से कंसल्ट नहीं कर पा रहे थे और बहुत से लोग जो डायबिटिक हैं या बीपी के पेशेंट हैं या कोई और रेगुलर प्रॉब्लम जो है वो उनके बॉडी में हो रहा है तो हाउ वी वी कंसल्ट द डॉक्टर्स तो इस तरह का रेगुलर जब हम लोग अपनी कंसल्टेशन डॉक्टर से करना चाहते थे तो हमने किसका सहारा लिया मोबाइल हेल्थ केयर हमने अपने स्मार्टफोन्स के थ्रू ही डॉक्टर्स से डायरेक्टली कंसल्ट किया वीडियो कॉन्फ्रेंस से हमने डायरेक्टली उनसे बात की और अपनी सब रिपोर्ट्स दिखाई उन्होंने हमें डायरेक्टली सजेशन दिया कौन सी मेडिसिन लो डायरेक्टली वो मेडिसिन जो है वो हमारे व्हाट्सएप पर हम वो डायरेक्टली जो है वो भेज देते हैं तो इस तरह से क्या हो गया मोबाइल हेल्थ केयर ये इसको हम क्या कहते हैं बेड हॉस्पिटल ज़रूरी नहीं है हॉस्पिटल में जाओ आप घर बैठ के ऑफिस में बैठ के डायरेक्टली अपने डॉक्टर से बात करके अपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सकते हो तो मोबाइल हेल्थ केयर स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस दे आर यूज टू मॉनिटर आवर हेल्थ इस कंसेप्ट को बच्चों क्या कहते हैं बेडलेस हॉस्पिटल्स ओके बच्चों? नेक्स्ट है बिहेवियरल हेल्थ क्रेस अब ये जो बिहेवियरल हेल्थ केयर है ये भी रिसेंट ट्रेंड है बच्चों क्योंकि आजकल हमारी इकनॉमी में ये मोस्टली हम देखते हैं कि हमारे जो बिहेवियर में काफ़ी बदलाव और चेंज आ रहा है क्यों बिकॉज ऑफ चेंजिंग अवर वर्क कल्चर हमारा वर्क कल्चर जो है वो चेंज हो रहा है हम लोग बहुत से एमएनसीज़ में काम कर रहे हैं जिसमें हम लोग ग्लोबल टाइम के साथ मैनेज करके काम कर रहे हैं वर्किंग प्रेशर ज़्यादा है कभी कभी फैमिली का प्रेशर ज़्यादा आ जाता है तो कुछ मेंटल इश्यूज़ मेंटल इलनेस जो है वो क्रिएट हो जाती है क्योंकि एक्सेस प्रेशर और स्ट्रेस जो है वो हमारे एक हमारे लाइफ का एक हिस्सा बन जाता है तो वो जनरेट करता है हमारे बिहेवरल हेल्थ केयर्स को जनरेट करता है या इनकी वजह से हमारे जो उस मेंटल स्ट्रेट को स्ट्रेस को एक सपोर्ट और सॉल्यूशन मिल जाता है तो कभी कभी ऐसा होता है हद से ज़्यादा स्ट्रेस होता है बहुत से लोगों को नींद नहीं आती है थोड़ा स्ट्रेस हो जाता है कुछ लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं तो ये सब या खाना कम चलता है हेल्थ अफेक्टेड होती है तो होते माइनर बिहेवरल चेंजेसें क्योंकि हमारा वर्किंग कल्चर जो है वो चेंज हुआ है क्योंकि काम का प्रेशर होता है कभी फैमिली का प्रेशर होता है कभी कभी सोशल प्रेशर होता है तो कुछ भी चीज़ें हैं जिसकी वजह से मेंटल स्ट्रेस मेंटल इलनेस ये होता है तो उन सब को और कंट्रोल करने के लिए हमारा बिहेवरल हेल्थ केयर सिस्टम जो है वो काफ़ी सपोर्टिव होता है बहुत से सकेट्रिस्ट जो हैं इस तरह की सजेशंस प्रोवाइड करते हैं कि वो जो प्रॉब्लम्स हैं बात करने से कम हो जाते हैं तो अक्रॉस द ग्लोब यानी हमारे वर्ल्ड के हर कंट्री में जनरली इस तरह का बिहेवियरल हेल्थ केयर जो है वो काफ़ी नाव जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है तो अक्रॉस द ग्लोब सिटीजन्स आर एक्सपीरियंसिंग यानी फेसिंग द ग्रोइंग मेंटल स्ट्रेस क्यों ड्यू टू प्रेशर ऑफ वर्क काम ज़्यादा है 14 टू 16 आवर्स काम करना है उसके बाद फिर डायरेक्टली उनको नेक्स्ट डे पे फिर वो कंटिन्यूएशन में काम करना है तो बिकॉज ऑफ टायर्डनेस फटिकनेस प्रेशर की वजह से या फैमिली प्रेशर की वजह से सोशल प्रेशर की वजह से थोड़ा ये बिहेवरल चेंजेस जो है वो हमारे इकनॉमी में दिखाई देता है जो हमारे हेल्थ केयर सेक्टर का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है तो ये भी जो इंफॉर्मेशन रहती है हमारे पेशेंट्स की थोड़ी सेंसिटिव रहती है कॉन्फिडेंशियल रहती है दे मोस्टली ऑलवेज कीप कॉन्फिडेंशियल विथ दैम अच्छा नेक्स्ट है साइबर सिक्योरिटी इन हेल्थ इंडस्ट्री अब इस हेल्थ इंडस्ट्री में साइबर सिक्योरिटी का भी हेल्प लिया जाता है क्यों क्योंकि हम यूज़ करें हमने अभी अभी कहा हम मॉडर्न जो है अपने हेल्थ केयर सिस्टम में यूज़ करें स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस या आईटी को हम यूज़ कर रहे हैं तो कभी कभी आईटी सेक्टर्स में हम देखते हैं साइबर क्राइम भी होता है अब साइबर क्राइम की वजह से कभी कभी कुछ सेंसिटिव डेटा अगर कहीं लीक हो गई तो पेशेंस जो हैं आपको मालूम सम है समटाइम मिस गाइडेड बाय सम ऑर्गेनाइजेशन तो इसके लिए हमारे पेशेंट्स की उस डेटा को सेफ सिक्योर और कॉन्फ़िडेंशियल रखने के लिए ज़्यादातर साइबर सिक्योरिटी को यूज़ किया जाता है यानी क्लाउड टेक्नोलॉजी हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो इनको हम यूज़ करते हैं ताकि पेशेंट की जो इन्फॉर्मेशन है वो एकदम कॉन्फिडेंशियल रहे सेफ रहे सिक्योर रहे तो मोस्टली हम देखते हैं साइबर सिक्योरिटी हम इन हेल्थ इंडस्ट्री वो आजकल हमारे लिए इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है द थ्रेट ऑफ लूजिंग द सेंसिटिव इंफॉर्मेशन ऑफ पेशेंट्स विल इंक्रीज इन कमिंग ईयर्स तो ये थोड़ा बहुत थ्रेट हमें दिखाई देता है इसके लिए हॉस्पिटल्स क्या करती हैं हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन दे विल ट्राई टू यूज द साइबर सिक्योरिटी वाई टू ओवरकम यानी रिड्यूस द प्रॉब्लम ऑफ साइबर सिक्योरिटी थ्रेट सपोज अगर कोई प्रॉब्लम आया भी तो दे विल सॉल्व इट वो इजिली उसको हैंडल कर लेते हैं तो इसके लिए साइबर सिक्योरिटी का भी नावेज एक इम्पॉर्टेंट इन्वॉल्वमेंट हो गया है हमारे हेल्थ केयर सेक्टर में नेक्स्ट है बायोसिमिलर्स अब ये भी हमारे हेल्थ केयर सेक्टर में नाव डेज इट इज ग्रोइंग वेरी वेल बायोसिमिलर्स यानी हमारे इस हेल्थ केयर सेक्टर में जो बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स हैं ड्रग्स की या इक्विपमेंट्स की तो वो ड्रग्स जो कॉस्टली हैं उनके कंपैरिजन में लेस कॉस्टली इमिटेशंस जो हैं वो प्रोवाइडेड होता है इस हेल्थ केयर सेक्टर्स में ताकि जो पुअर पीपल हैं उनके डिमांड्स को भी हम सेटिसफाई कर पाएं तो लेस कॉस्टली इमिटेशन ऑफ ड्रग्स जब प्रोवाइडेड होता है तो वो सिमिलर ही होता है जैसे आपके ओरिजिनल रहते हैं वैसे ही आपको कॉपी जो है वो भी सिमिलर आपको प्रोवाइडेड होता है जैसे जस्ट लाइक like हमने कहा जनरिक मेडिसन्स वो प्रोवाइडेड रहता है क्योंकि आपके जो बड़े बड़े ब्रांडेड जो हमारे मेडिकल फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं जैसे सिप्ला है मैनकाइंड है ज्योति लेबॉरटरीज हैं तो इनकी जो गुड्स हम लोग मेडिसन्स देखते हैं वो थोड़ी कॉस्टली हैं उसके कंपैरिजन में जो हमारी जनरिक मेडिसिन है तो उसे हम लोग बहुत ही लो प्राइस पे हम प्रोवाइडेड रहते हैं तो लेस कॉस्टली इमिटेशन ऑफ ड्रग्स ये मोस्टली मेडअप होता है बाय यूजिंग द लिविंग सेल्स दैट ट्रीट द डिसीज यूजुअली बाय जेनेटिकली मॉडिफाइंग सेल्स तो इस तरह से कुछ सिमिलर जेनरिक मेडिसिन वो भी प्रोवाइडेड होता है जो हमारे कस्टमर्स को थोड़ा सस्ते प्राइस में अफोर्डेबल कॉस्ट में मिल जाता है जो जनरली कुछ लोग यानी जो पावर्टी बिलो पावर्टी के नीचे आते हैं या लोअर मिडिल क्लास है ए कॉन्ट अफोर्ड द मेडिसिन जैसे मैंने कहा कुछ डिसीज़ेज ऐसे होते हैं जैसे किडनी का प्रॉब्लम है या सपोज उनको हार्ट का प्रॉब्लम है या कैंसर का प्रॉब्लम है या एच आई के हैं तो कुछ डिसीज़ेज़ ऐसे हो जाते हैं जिनके मेडिसिन बहुत कॉस्टली होते हैं तो जनरल इन दैट केस दे विल सजेस्ट दम बायो सिमिलर्स जो थोड़ा लेस कॉस्टली होता है अफोर्डेबल होता है और ईज़िली वो अपने डिसीज़ के साथ फाइट कर सकते हैं नेक्स्ट है कंज्यूमर सेंट्रिक मेडिकल प्लान्स अब ये भी जनरली बच्चों हम आप ऑब्जर्व करते हो अपने सराउंडिंग में कि जो कंज्यूमर है वो सेंट्रिक मेडिकल प्लान्स जो है वो फॉलो करते रहते हैं जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया कि पॉलिसी बाजार डॉट कॉम से आपने अपने हेल्थ का इंश्योरेंस करवा लिया अब इससे क्या होता है कुछ ट्रेंड मेडिकल अगर आप लोगों ने प्रोफेशनल्स के साथ गाइड करके अपने हेल्थ को अपने ऑब्जर्व कर लिया फिर आपको लगा कि नहीं अभी जब एज बढ़ती है तो प्रॉब्लम्स तो आते ही हैं तो आपने क्या किया अपना मेडिक्लेम करवा लिया उसके लिए बहुत सी कंपनीज हैं जो आपके उसका जो प्लान है मेडिकल प्लान है उसको वो जो प्रोवाइड करते हैं क्यों क्योंकि मेडिकल एक्सपेंडिचर डे बाय डे बढ़ रहा है हर एक चीज़ की अगर आप लोग हॉस्पिटल्स में जाके देखोगे तो आजकल पैकेज बन गए यानी अगर हम अपने हार्ट सर्जरी के लिए आए या सपोज किसी किडनी के प्रॉब्लम के लिए आए या सपोज न्यूरो सर्जरी है या सपोज हम लोग देखते हैं कि जो ऑर्थोपेडिक है जब नी ट्रांसप्लांटेशन करते हैं उसका कोई प्रॉब्लम है या सब लोग कुछ गायनिक रहते हैं वो सजेस्ट करते हैं ऐसे हर एक फील्ड में हम देखते हैं कि जो मेडिकल एक्सपेंडिचर है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है तो हमारे लाइफ की जितनी सेविंग होगी अगर सपोज़ एल्डर एज में कोई प्रॉब्लम आया तो पूरा तो एक्सपेंडिचर उधर ही खत्म हो जाएगा तो इसके लिए मोस्टली कंज्यूमर सेंट्रक मेडिकल प्लान जो रहते हैं आजकल हर कोई अपने लाइफ में फॉलो करता है ताकि अगर कुछ हुआ भी तो एटलीस्ट वो जो आपका मेडिकल प्लान है यानी आपका हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो आपको बचा लेता है यानी थोड़ा तो खर्चा होता है लेकिन मैक्सिमम जो है वो आपका थर्ड पार्टी जो है वो आपका मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी जो है वो आपका पूरा एक्सपेंडिचर को बियर करता है तो एक ही ये भी रहता है प्लस दूसरा जो रहता है जो हमारी गवर्नमेंट ने किया हुआ है दैट इज़ आयुष्मान भारत यानी हेल्थ कार्ड्स बच्चों आपने ये ध्यान दिया होगा तो हेल्थ कार्ड जो है वो भी हमारे बहुत से पुअर कंज्यूमर्स को पॉपुलेशन को एक काफ़ी हेल्थ सपोर्ट प्रोवाइड करता है यानी वो हेल्थ कार्ड यानी आयुष्मान भारत कार्ड जो है जो आपको एक बहुत ही अच्छी हेल्थ सपोर्ट सिस्टम देता है कि आप किसी भी हॉस्पिटल में चाहे प्राइवेट सेक्टर हो पब्लिक सेक्टर हो अगर किसी डिसीज से अगर आप फाइट कर रहे हो उससे अफेक्टेड हो तो आप अपना ट्रीटमेंट अच्छी तरह से करा सकते हो तो हमें पता है मेडिकल एक्सपेंडिचर जो है वो एवरी ईयर बढ़ रहा है इसके लिए एवरी वन हैज़ टू टेक केयर ऑफ देयर ओन हेल्थ प्रॉब्लम्स तो हर कंज्यूमर चाहता है दे विल ट्राई टू फाइंड आउट द डिफरेंट ऑप्शन जो अवेलेबल हों उनके हेल्थ को प्रॉपरली मॉनिटर करें सपोर्ट करें स्पेशली आफ्टर द एल्डर एज जब आपकी एज बड़ी हो रही है तो उस समय आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करें हेल्थ में भी आपको सपोर्ट करे तो इसके लिए कुछ गाइडेंस लेके हम लोग इस तरह के कंज्यूमर सेंट्रक मेडिकल प्लान्स जो हैं ले लेते हैं और इनकी डिमांड धीरे धीरे हम लोग देख रहे हैं बढ़ रहे हैं इसके लिए हर कोई अपने लाइफ में जरूर कभी ना कभी मेडिक्लेम का सपोर्ट ले लेता है अपनी हेल्थ को इंश्योर करवा लेता है ताकि अगर फ्यूचर में कुछ प्रॉब्लम आया तो एटलीस्ट हमारा जो बजट है वो उतना ज़्यादा नहीं अफेक्टेड हो नेक्स्ट है लो कॉस्ट हेल्थ केयर अब ये भी हमारे इस रिसेंट ट्रेंड में दिखाई देता है लो कॉस्ट हेल्थ केयर अब ये लो कॉस्ट हेल्थ केयर में हम जनरली क्या देखते हैं बच्चों जैसे हमने देखा हमारी बहुत सारी जो लेटेस्ट अपकमिंग प्रोग्राम्स और पॉलिसीज़ हैं गवर्नमेंट की वो भी गरीबों के सपोर्ट के लिए होती हैं बहुत से आप देख रहे हो स्टेट में जब वो इलेक्शन होती है तो दे प्रॉमिस एंड आफ्टर विनिंग दैट इलेक्शन दे विल कीप द प्रोमिस फिर वो बहुत सारी मेडिसन्स जो हैं वो गरीबों को फ्री ऑफ़ कॉस्ट जो है वो प्रोवाइड करते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं और ख़ास करके जो सोशल वेल्फ जो वेलफेयर uh, ऑर्गेनाइजेशन है यानी जो सोसाइटी वेलफेयर से रिलेटेड कुछ ऑर्गेनाइजेशन है, हैं कुछ एन हैं जैसे रेड क्रॉस है रोटरी क्लब जैसी ऑर्गेनाइजेशन हैं उनकी भी बहुत सारे ऐसे हेल्थ uh, well से रिलेटेड उनकी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो हमेशा प्रोवाइड करती हैं डिफरेंट कैंप्स को ऑर्गेनाइज करती हैं जैसे आपके डायबिटीज़ के उनको मॉनिटर करना है या आपके बॉडी में कैल्शियम कितना है या डिफरेंट डिसीजेस की जैसे आय का उन्होंने टेस्टिंग कैप जो है वो उन्होंने प्रोवाइड किया और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट तो इस तरह से बहुत से सोसाइटी वेलफेयर ओरिएंटेड हॉस्पिटल्स हैं बहुत सारे एन हैं दे आर ट्राई टू फाइंड आउट द डिफरेंट वे सो दैट यूअर हेल्थ ट्रीटमेंट एंड ड्रग्स शुड़ बी प्रोवाइडेड एट अफोर्डेबल कॉस्ट या समटाइम फ्री ऑफ कॉस्ट वो आपको प्रोवाइड करे तो इस तरह की कोशिश जो है वो हमारे इस हेल्थ केयर इंडस्ट्री में बहुत ही अच्छी तरह से प्रोवाइडेड हो रही है यानी लो कॉस्ट हेल्थ केयर सर्विसेज जो हैं वो सोसाइटी वेलफेयर ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन बच्चों हमने कहा या बहुत सारे एन हैं वो इस तरह की कोशिश करते हैं ताकि हमारे इकनॉमी में जो हमारी ग्रोइंग नीड्स हैं कि हेल्थ केयर से रिलेटेड ताकि हमारी जो मेडिसन्स हो हमारी जो ट्रीटमेंट हो वो अफोर्डेबल कॉस्ट में हो तो ये सब कोशिश जो है वो हमारे इस हेल्थ केयर सेक्टर में प्रोवाइडेड होती है। ओके okay बच्चों तो ये है रीसेंट ट्रेंड इन हेल्थ केयर इंडस्ट्री हमने इसमें टेन पॉइंट्स पढ़ा आप इसमें से कोई भी सेवन टू एट पॉइंट जब क्वेश्चन आपसे पूछा जाए यूनिवर्सिटी लेवल पे कि व्हाट इज द रीसेंट ट्रेंड इन हेल्थ केयर सेक्टर तो आप इसमें से कोई भी सेवन एट पॉइंट आप डिस्कस कर सकते हो जो आपको ईजी लगे और बहुत ही ईजी नोट्स में मैंने आपको प्रोवाइड भी किया है ओके okay बच्चो सो इफ यू लाइक दिस वीडियो You can share with your maximum friends. And if you want my handwritten notes, the link is given in the description box. Thank you.